हे गाइस, तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ नयन की रेसिपी में एक बार फिर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी टूरिस्ट प्लेस, एक ऐसी जगह जिसे कहा जाता है काला ताजमहल। और ये जो काला ताजमहल है दोस्तों, ये बुरहानपुर शहर में उतावली नदी के तट पर, उतावली नदी के किनारे पर स्थित है, जो कि काफ़ी अच्छी है, घूमने फिरने की अच्छी जगह है, टूरिस्ट प्लेस है। और ख़ास बात यहाँ की एक आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मकबरा है, इसे शाह नवाज का मकबरा कहा जाता है और इसी का काला ताजमहल भी। और ये जो है दोस्तों, लगभग 1622-23 ईस्वी के आसपास का बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 400 साल ही समझ लीजिए एक तरीके से, ये 400 साल पुराना मकबरा है एक तरीके से बताऊँ तो। और ये मकबरा जो है दोस्तों, ये काले पत्थर का बना हुआ है। और ये काला पत्थर जो है, उस समय में जब ये मकबरा बना था ना, तो दोस्तों ये मकबरा एक काले ताजमहल की तरह दिखता था, मतलब एकदम पूरा काला पत्थर शाइन करता हुआ। हाँ, हालांकि ताजमहल के का शेप साइज अलग है, शायद ताजमहल का थोड़ा साइज इससे बड़ा है, इसका छोटा है। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि इस पर भी काफ़ी सुंदर नक्काशी की गई है। और ख़ास बात है कि इस ताजमहल, इस जो काला ताजमहल है, ये इस मकबरे के नीचे आपको एक छोटी सी गुफा देखने के लिए मिलेगी। इस गुफा में ये देखिए, दो समाधि कब्र जो बोलते हैं, वो कब्र बनी हुई है। और काफ़ी अंधेरी गुफा के जरिए होते हुए जाना पड़ता है इस कब्र को देखने के लिए। देखिए, बहुत झुक के निकलना पड़ता है, वरना आपके सिर पर चोट लग सकती है। मैं अपने दोस्तों के साथ में गया था ये जगह देखने के लिए। जगह तो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी मतलब ऐतिहासिक जगह कह सकते हैं इसको, ऐतिहासिक जगह है। और इसी के साथ यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, जो आज से इतने साल पहले स्ट्रक्चर बना था। और इस स्ट्रक्चर की कारीगरी देखने के बाद आपको लगेगा कि यार हाँ ठीक है, कुछ होता था पहले की कारीगरी, कुछ ऐसी होती थी जो जिसे कह सकते हैं कि ठीक है भाई, तरीके से काम होता था। वरना आज के तो साला मकान जो देखोगे तो 50 साल में मकान ही, बिल्डिंग ही गिर जा रही है। और ये देखो, जो 300, 400, 500 सालों से सब स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, जिनमें आप रंग देखेंगे दोस्तों, उनका रंग अंदर का भी नहीं उड़ा है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं इस मकबरे के पीछे खड़ा हूँ, काला ताजमहल हमारा शाह नवाज का मकबरा जिसे कहते हैं, इस मकबरे के पीछे से मैं इसकी मीनारों को देख रहा हूँ। तो इसकी जो है मीनारें बिल्कुल एकदम सही डायमेंशन, सही सटीक तरीके से स्ट्रेट बिल्कुल अपनी जगह पर खड़ी है। यहाँ पर आपको फूलों का छोटा सा गार्डन टाइप देखने के लिए मिल सकता है। वैसे आप अगर बारिश के मौसम के बाद आए तो ज़्यादा यहाँ पे आपको अच्छा सीन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि तब थोड़ी हरियाली होगी ना, तो होगा नज़ारा भी देखने लायक। आप दोस्तों मेरे साथ इस मकबरे के अंदर की ये नक्काशी देख रहे हैं दोस्तों, ये उस समय का रंग है, आज से लगभग 400 साल पहले जब ये रंग और ये नक्काशी की गई थी, ये उस समय का रंग है। और आज के ज़माने में 2023 में आप देखेंगे, इंसान अपना रंग छोड़ देता है, और बिल्डिंग के रंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। बिल्डिंग का रंग तो आजकल 2 साल में, हर 2 साल, 3 साल, 4 साल में तो सबको अपने मकानों में नया रंग करवाना पड़ता है। और ये उस समय का, उन इमारतों के अंदर की गई कलाकृतियों के अंदर भरा हुआ जो रंग है, जो 400 सालों से अभी तक वैसा का वैसा है, फर्क देख सकते हैं आप लोग। और मेरे सामने दोस्तों ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, एक जर्जर सा ये एक इमारत है, इसे ये पान के शेप में बना हुआ है, पानदान घर टाइप कहते हैं इसे वहाँ के लोग। तो देख सकते हैं, वैसे आप आ सकते हैं घूमने के लिए, अच्छी जगह है, पुरानी जगह है और रोमांचक जगह भी है, और आने जाने में पैसा भी लगता है घूमने जाते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। इतनी जगह हम लोग जाते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को वीडियो बना के दिखाते हैं, घुमाते हैं, फिर आते हैं आप लोगों को भी साथ में हमारे। सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर तो तुम करते नहीं हो वैसे, सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, हाँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इच्छा में हो तो शेयर भी कर दिया करो, शेयर करोगे तो थोड़ा एक दो व्यू मेरे भी बढ़ेंगे, तो मेरी भी रीच आएगी भाई वीडियो पे, तो आगे और भी वीडियो बनाने की मेरी इच्छा हुआ करेगी, और भी अच्छी अच्छी जगह पे जाऊंगा। अभी तो बुरहानपुर बहुत सारी ऐसी जगह है, बुरहानपुर के अलावा भी मैं आप लोगों को MP के अलावा भी आप लोगों को बहुत सी जगह ले जा चुका हूँ, उड़ीसा भी ले जा चुका हूँ, और भी आगे जाऊँगा आप लोगों को जगह दिखाने के लिए। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये इमारत आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो अच्छी कमेंट करना, बुरी लगी होगी तो कमेंट फिर करना ही मत, क्या करोगे कमेंट करके। काफ़ी ऐतिहासिक जगह है,
आप लोग देखेंगे। इसका पत्थर देखिए, इसकी क्वालिटी देखिए स्ट्रक्चर की, और ये भी एक तरीके की प्रेम की मिसाली है, क्योंकि ये इनके जिनके लिए बनाया गया था वो एक उनके राजा के सेनापति थे शाहनवाज खान, तो उन्हीं के लिए उनकी क्या है ना 44 साल की उम्र में जब वो उनकी मृत्यु हुई थी तो उन्हीं के लिए ये उन्हीं के राजा ने बनवाया था। मकबरे को देखेंगे आप तो मकबरे की इमारत की क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगी कि इतने साल से कैसे खड़ा है। तो दोस्तों ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करवा देना 2-4-5 जितने हो सके। मिलता हूँ अगली वीडियो में, ठीक है। नमस्कार, जय सियाराम, बाय।